फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। और आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी ड्रेसिंग टेबल अरेंज की वीडियो। तो मैं सोचा दिवाली की सफाई कर रही हूँ तो थोड़ा अरेंज की भी वीडियो डाल रही हूँ। ये वीडियो पता नहीं कब जाएगा, मुझे नहीं पता। तो चलिए मैं अरेंज करती हूँ, कैसे अपनी मेरी ड्रेसिंग को मैं लगाती हूँ आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। ये देखो मेरी ये मैसी मैसी सारी ऐसी ड्रेसिंग हो रही है पूरी। अब मुझे अरेंज करना है सारी ड्रेसिंग को अपनी। तो मुझे कैसे करना है इसको अरेंज, तो चलिए मैं अरेंज करती हूँ इसको। और मैं अपना क्या क्या सामान अपना अरेंज करती हूँ फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने जो सामान है जो इधर उधर फैल रहा था उसको मैंने एक बॉक्स में डाल लिया, जिसमें रील वगैरह का सामान है सारा, ये सब मैंने इसमें डाल लिया है। तो ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो तो इसमें अरेंज हो जाता है सामान अच्छे से। हम इसको ये भी यूज कर सकते हैं, आपके पास बॉक्स हो खाली वो भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये सारा इंचिटिव वगैरह सब इसमें करके रख लिए हैं और रील्स इसमें लगा दें तो हमें इजीली रहता है सामान इसे निकालने में। उससे पहले मेरे पास एक खाली बॉक्स था, वो मैंने इस बार खाली करके इसमें डाला है। तो हमेशा मेरा उसी में रहता था सामान, तो इस बार मैंने इसमें डाला है। और जो हमारे पास जो मेडिसिन वगैरह होती है और वो भी हमारी से इधर से उधर डली रहती है, टेबलेट्स वगैरह जो भी होता है हमें जब भी हमें जरूरत पड़ती है हमें नहीं मिलती है। तो मैंने उसका भी एक बॉक्स बनाया है, बॉक्स इसका भी पहले और इसका चेंज किया मैंने बॉक्स इस बार। ये मैं सब दवाइयां वही है जो भी है, इसमें जो जरूरत की चीजें हैं सब इसी के अंदर मिलेंगी। थर्मामीटर वगैरह और विक्स जो भी है आपका होता है इससे रिलेटेड सब इसी में आपको मिल जाएगा इजिली। तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती, जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम इसमें लेते हैं। ये मैंने दो अरेंज कर दिए और बाकी मैं अभी अरेंज कर रही हूँ। तो चलिए फिर दो मैंने अरेंज करी, इससे बहुत इजी पड़ता है सामान एक जगह पे मिल जाता है। आप लोग करना चाहे कर सकते हैं। ड्रेसिंग को खाली कर लिया है। अब मैं इसको एक गीले कपड़े से, पहले सूखे कपड़े से साफ करूंगी, उसके बाद गीले कपड़े से साफ करूंगी। और जो उसकी शीट्स है उनको मैंने साफ कर लिया है तो उसको मैं अच्छे से उसको बिछा दूंगी फिर, और तब मैं इसमें सामान अरेंज करूंगी। तो चलिए फिर करती हूँ मैं, आप लोग देखिए। देखिए फ्रेंड्स मेरी ड्रेसिंग लग चुकी है, तो चलिए मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ मैंने किस तरह से लगाई है। ये देखिए ये मेरी किट है, इसमें मेरा सारा मेकअप का सामान वगैरह है। ये मेरी बेटी के हेयर बैंड्स वगैरह इसे मैंने बॉक्स में कर दिया है। इसमें जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह होती है वो मैंने इसमें रख दी है ताकि प्रॉपर वे में मुझे मिल जाए। और दूसरे ड्रॉ में मेरी बैंगल्स वगैरह रखी हुई है, सब मैंने इसको तरीके से लगा दिया है। और इस वाली जो ये वाला काउंटर है इसमें सिर्फ कॉम रहता है और बाकी खाली रहता है ये, क्योंकि ऊपर थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता इस वजह से। और इस वाली रूम में ये मैंने मेरी बेटी के जो हेडबैंड्स वगैरह क्लिप्स वगैरह जो भी होता है आइटम्स वो मैंने इसमें डाल दिए ताकि इजीली मिल जाए। ये मैंने आपको दिखाया था मेडिसिन के बॉक्स है, ये रील वगैरह सुई जिस जो है बॉक्स है। तो हम इनको तरीके से इस तरह से लगा सकते हैं ताकि हमारा प्रॉपर जिस वे में सामान है वैसे ही हमें मिल जाए। और ये कुछ मेडिसिन रखी थी अलग से तो मैंने ये इसमें करके रख दिया है। इनका थोड़ा सा इसमें थोड़ा मेडिसिन वगैरह है और इनका थोड़ा सा सामान है वो मैंने इसमें करके रख दिया है ताकि इजिली मिल जाए। ये बाकी और आइटम जो होता है डेली यूज का वो इधर एक्स्ट्रा रख दिया है। और इधर बस कॉम्स रखती है और खाली कर दी है पूरी रो जितनी भी है। और इधर मेरे पास जो एक्स्ट्रा बैंगल्स हैं वो मैंने इधर टांगे हुए हैं, ये मेरी बेटी के टंगे हुए हैं। और उसके ये हेयर बैंड्स जो होते हैं वो लगाने के लिए इसमें लगे हुए हैं क्योंकि ये फिर मुड़ जाते हैं तो खराब हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसे इसमें हैंग किया हुआ है।
और ऊपर वाली रो में ये मैंने सारा अपना जो डेली वे का आइटम है वो रखा हुआ है, क्रीम्स वगैरह, क्रीम्स तो मैं लगाती हूँ, लोशन वगैरह है बस, और ये छोटे मोटे आइटम है जो मैंने रख दिए हैं। ये इस तरह से मेरी मेरी ड्रेसिंग अरेंज हो गई है। तो आप लोग भी बताना आप कैसे करते हो अपनी ड्रेसिंग अरेंज, और आपको कैसी लगा मेरा ये तरीका जो मैंने सभी तरीके से रखा है। अगर थोड़ी सी भी यूजफुल मेरी वीडियो लगती है आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर जरूर करना, और जो न्यू हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ओके, तो हम इस अपनी ड्रेसिंग को अच्छे से हम लगा सकते हैं इस वे में, तो बहुत इजीली सामान मिल जाता है, वरना होच पोच हो जाता है बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग में। और हमें ये मतलब 15 दिन में तो लगाना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत जल्दी बच्चे इधर से उधर सामान कर देते हैं ना, तो सब बिगड़ जाता है फिर से। तो चलिए इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आऊँगी कोई अच्छी सी। और आप जो चैनल को लाइक करते रहना, और वो कमेंट जरूर करना आपको कैसे लगी, और आप कैसे अपनी ड्रेसिंग को अरेंज करते हो वो भी आप ज़रूर बताना किस टाइप से करते हो, ताकि मुझे भी थोड़ी हेल्पफुल लगे, कुछ मुझे अगर चेंज करना हो तो मैं कर पाऊँ। ओके, बाय गाइज़।